शुभ प्रभात छात्र छात्रों, बालक बालिकाओं, शिष्य शिष्यों और मेरे प्यारे मित्रों, मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कल्योनी क्लासेस। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बहुरूपिया वाक्य, और आज भी मैंने यही वीडियो अपलोड करने की ठान ली है कि आज भी मैं इसी प्रकार की वीडियो आपको देने वाला हूँ। बहुरूपिया वाक्य, बहुरूपिया वाक्य का मतलब है कि एक ही शक्ल वाले वाक्य जो देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो देखने में सिर्फ लगते हैं पर वो वैसे होते नहीं हैं। आप उनकी हिंदी क्रियाओं को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सेम ही है, और आप इस चक्कर में पढ़कर, आप इस कन्फ्यूजन में पढ़कर, आप उन सब का अनुवाद गलत ढंग से कर डालोगे, गलत हेल्पिंग वर्ब्स और गलत वर्ब्स का सिलेक्शन करके कर दोगे। तो डोंट वरी, आज के बाद से ये गलतियां मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपकी खिदमत में, आपके सेवा में, आपको नॉलेज देने के लिए, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस प्लेटफॉर्म मेरे कल्योनी क्लासेस पे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखी है, बहुरूपिया वाक्य के लगभग 6 पार्ट्स बन चुके हैं, ये है 7वां पार्ट। और इस पार्ट में आप ऐसे सेंटेंसेस को जानने वाले हो जिनकी हिंदी क्रियाओं के अंत में आप पाओगे, दोनों के दोनों हिंदी क्रियाओं के अंत में कि सेम ही पहचान है, यानी बिल्कुल एक ही पहचान है, एक ही रिकग्निशन है, लेकिन उनका अनुवाद अलग अलग ढंग से होगा और उनका जो सेंस है वो भी बिल्कुल अलग है। ये चीज़ मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये लेसन, आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो बहुरूपिया सेंटेंसेज से हम कैसे बचें, बहुरूपिया सेंटेंसेज को हम कैसे पहचानें, और उन गलतियों से हमें मुक्ति कैसे मिले, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हमने 4 सेंटेंसेज रखे हैं, ज़्यादा सेंटेंसेज नहीं हैं, बस 4 हैं, और पेयर लगा रखे हैं मैंने। एक लिखा है तो मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। फिर 2 लिखा है तो इसमें एक सेंटेंस और मैंने रखा है। वैसे पूरे के पूरे 4 सेंटेंस हुए, लेकिन इनको कैटेगराइज करके 2 ही बनाया गया है। चलो सबसे पहले इनकी पहचान को हम अलग करते हैं। तो पहचान क्या है? ना पढ़ता है, ना पढ़ता है। और दूसरे वाले में आप जाओगे तो आप पाओगे कि इसके अंत में भी है ना पढ़ता है। ओके, ये भी ना पढ़ता है और ये भी ना पढ़ता है। नीचे आ जाओ, यहाँ देखोगे तो नी पढ़ती है, और फिर यहाँ भी देखोगे तो नी पढ़ती है। कन्फ्यूजन है ना? दोनों का अनुवाद अलग अलग ढंग से किया गया है, लेकिन दोनों की जो हिंदी क्रियाएं हैं वो बिल्कुल एक समान है। और हम किसी भी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करना चाहते हैं ना, तो हम उसकी हिंदी क्रियाओं को देखते हैं कि भाई हिंदी क्रिया क्या है, और जिस प्रकार इसकी हिंदी क्रिया होती है, उसकी पहचान होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट भी करते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, हमें सेंस समझना चाहिए, और जब तक आप सेंस नहीं समझोगे ना, तब तक आप सेंटेंसेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने याद किया है रहा है, रही है, रहे हैं, तो एम इज़ आर प्लस वी फोर लगा दें, लेकिन सभी वाक्यों में आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने याद किया है ता है, ती है, ते हैं, तो आप वी वन, वी फाइव या डूडज प्लस वी वन से बना दोगे। ऐसा नहीं है, आपको सेंस समझना पड़ता है कई बार। तो ट्रांसलेशन सिर्फ पहचान पर ही बेसिस नहीं है, है ना, बल्कि ट्रांसलेशन सेंस पर भी बेसिस होता है। और ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ये सेंस पर ही बेसिस है, ये पहचान पर बिल्कुल बेसिस नहीं है। सेंस को समझना पड़ेगा, और जब तक सेंस को नहीं समझेंगे, आई थिंक हम उसका सही ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सेंटेंसेज हमने जो दिए हैं उनको देखता हूँ मैं, और बताने की कोशिश करता हूँ, अच्छे तरीके से इसको क्लियर करने की भी कोशिश करता हूँ। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, और आपने इन्फिनिटिव पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं को हम बनाते हैं कैसे? हम बनाते हैं हैव टू या हैज़ टू से, और इसके बाद जो आने वाली वर्ब रहती है वो वी वन रहती है, हैव टू, हैज़ टू। जैसे कि हैव टू प्ले, हैज़ टू प्ले, हैव टू गो, हैज़ टू गो, हैव टू ड्रिंक, हैज़ टू ड्रिंक, ऐसे आपको लगाना होता है। तो चलो इसको बनाते हैं। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे के लिए आई, ओके। अब आई के साथ आपको क्या लगाना होता है? हैव टू लगाना होता है। मैं आपको बता दूं कि जिनके साथ आप एम और आर लगाया करते थे पिछले पृष्ठों में, जूनियर क्लासेज में एम और आर जिनके साथ आप लगाते थे, उनके साथ आपको हैव टू कर देना होगा, और जो बचेंगे ना इज़ वाले के साथ आपको हैज़ टू करना है। तो आई के अकॉर्डिंग हैव टू को लगा दिया गया है, आई हैव टू, ओके। मुझे और पढ़ता है तो हैव टू, जाना गो कहाँ तो वहाँ देयर, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ रहना पड़ता है, आई हैव टू लिव देयर, मुझे यह करना पड़ता है, आई हैव टू डू इट या फिर डू दिस, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ती है,
यू हैव टू हेल्प हिम या हेल्प हर। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाते हैं हैव टू का इस्तेमाल करके, हैव टू का यूज़ करके। लेकिन जो नीचे का सेंटेंस है ना, बिल्कुल इसका हम शक्ल है, यानी बहुरूपिया है ये। अब इसके अंत में भी आप पाओगे ना पड़ता है, लेकिन इसका अनुवाद सिर्फ हैव टू से नहीं बल्कि हैव टू बी से करना होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म देना होगा। क्यों देना होगा ये तो मैं बताऊंगा ही, पहले इसको अनुवाद कर लेते हैं। कपड़ा धोना पड़ता है, ओके। तो कपड़े के लिए हमने क्लॉथ का इस्तेमाल कर दिया है, यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने एस लगा दिया है, एस नहीं आना चाहिए, क्लॉथ, ओके, क्लॉथ। और क्लॉथ के बाद में कहने का मतलब है कि मेरे को यहाँ पर हैव नहीं लगाना चाहिए था, बट क्या करूँ, है ना, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था जिसके कारण ऐसा करना पड़ा है, है ना। इसको मैं हैज़ बना देता हूँ, ठीक है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, है ना। पहले मेरा इंटेंशन था कपड़े को लेकर के, इसलिए शायद मेरे से ये हो गया होगा, पर डोंट वरी, अब मैंने इसका इम्प्रूवमेंट कर दिया है, अब इसमें गलती नहीं है। तो कपड़ा क्लॉथ है ना पड़ता है, तो हैज़ टू, यहाँ पर हैज़ टू हमने क्यों रखा पता है, क्योंकि कपड़ा, एक कपड़े की हम बात कर रहे हैं, ओके, सभी कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, और जब भी एक की बात हो, सिंगुलर की बात हो, तो आप हैज़ टू लगाओगे, यानी मैं बता चुका हूँ कि इज़ वाले के साथ हैज़ टू और एम और आर वाले के साथ हैव टू। तो क्लॉथ के साथ आप क्या लगाते हैं, पिछले पृष्ठों में क्या लगाए थे आपने, आपने लगाया था इज़ लगाया था ना, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप हैज़ कर दोगे, ओके। तो कपड़ा धोना पड़ता है, क्लॉथ हैज़ टू बी, है ना, बी भी लगाना होगा आपको, क्लॉथ हैज़ टू बी। अब धोने की इंग्लिश होती है वॉश्ड, यानी वॉश में ई डी करके इसको हमने वी थ्री बनाया है। तो फिर प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों की पहचान तो ना पड़ता है, तो फिर इसमें बी कहाँ से आया, और इसमें जो वी वन आई थी गो, तो इसमें वी थ्री क्यों आई। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये सेंटेंस मुझे वहाँ जाना पड़ता है एक्टिव का है, ओके, एक्टिव में है, जिसमें कर्ता खुद कार्य करता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता खुद कार्य करता है, लेकिन जो वाक्य पैसिव में रहता है उसमें कर्ता कार्य नहीं करता है, कर्ता किसी दूसरे से काम करवाता है, या फिर कर्ता का पता ही नहीं रहता है कि कर्ता कौन है, या धोने वाला कौन है इसका पता ही नहीं रहता है कि वो कार्य करने वाला कौन रहता है। तो यहाँ पर इसकी सिचुएशन है कि कपड़ा धोना पड़ता है, तो किसके द्वारा धोना पड़ता है, कौन धोता है, किसको धोना पड़ता है, ये तो स्पष्ट नहीं है ना, इसलिए ये पैसिव फॉर्म में है, है ना। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आता मुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें, है ना, कपड़ा धोना पड़ता है, तो वैसी सिचुएशन में हम हैव टू का ही यूज़ करते हैं और वी वन लगाते हैं। लेकिन यहाँ है कि कपड़ा धोना पड़ता है, तो भाई कपड़ा धोना पड़ता है तो कौन धोता है, ये स्पष्ट नहीं पता है, और जब स्पष्ट पता नहीं होना तो आप समझना कि वो पैसिव फॉर्म में है, और तब आपको क्या करना होगा, हैज़ टू बी या फिर हैव टू बी करके आपको वर्ब को थर्ड फॉर्म दे देना होगा। नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, उसे चोरी करनी पड़ती है, है ना, देखो नी पड़ती है, इसमें भी देखोगे नी पड़ती है, दोनों में नी पड़ती है, ओके। तो उसे चोरी करनी पड़ती है, उसे के लिए ही या शी लगा दोगे, ओके। पड़ती है के लिए हैज़ टू लगाओगे, हैज़ टू क्यों लगाओगे, क्योंकि बता चुका हूँ कि इज़ वाले के साथ हैज़ टू लगाना है, तो चलो ही शी के साथ तो इज़ लगता है, तो इसके साथ हमने हैज़ टू कर दिया। चोरी करना एक वर्ब है, तो चोरी करने के लिए हम स्टील का यूज़ यहाँ पर कर दिए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने हैज़ टू का सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें आपको हैज़ टू भी मिलने वाला है, कैसे समझने की कोशिश करना। इसी टाइप का सेंटेंस यहाँ भी है, पुस्तक छापनी पड़ती है, पुस्तक छापनी पड़ती है, छापने वाला कौन है पता ही नहीं कि सब्जेक्ट कौन है छापने वाला, और जब सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है ना, तो आप समझो कि ये पैसिव फॉर्म में है, और तब यहाँ पर आपको हैज़ टू नहीं हैज़ टू भी करना होगा, तब आपको वी वन नहीं बल्कि आपको वी थ्री करनी पड़ेगी। चलो सेंटेंस को बनाते हैं, पुस्तक द बुक, ओके, द बुक क्या है, एक है, तो हैज़ टू बी, हैज़ टू बी, इस तरह से। अब छापनी यानी छापना, छापनी, छापने, तो छापने की इंग्लिश प्रिंट होती है, प्रिंट में ईडी लगा करके इसको प्रिंटेड बना दोगे, यानी वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दोगे। चलो हमने तो ये पैसिव एक्टिव की बात की है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन अब मैं आपको क्लियर रूप से बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा, पर उससे भी पहले आप यहाँ पर द लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द क्लॉथ हैज़ टू बी वॉश्ड, अगर आप चाहते हो कि उस कपड़े को हम निश्चित बना दें यानी डेफिनेट बना दें, तो आप द लगा दो, और डेफिनेट नहीं बनाना चाहते तो द का हटा सकते हो, यानी
यानी द लगाने पर भी सही है और द नहीं भी लगाने पर भी सही है। यहाँ भी आप चाहो तो द हटा सकते हो, यानी इनडेफिनिट का बोध हो जाएगा, अनिश्चित का बोध हो जाएगा। और अगर निश्चित बनाना चाहते हो तो द लगा देना पड़ता है। इसके लिए आर्टिकल की वीडियो मैं आपको तुरंत देने वाला हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि दोनों की पहचान ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पड़ते हैं, लेकिन एक में हैव टू या हैज टू आ रहा है तो दूसरे में हैव टू भी और हैज टू भी क्यों आ रहा है। तो इस चीज़ को मैं बच्चों को जैसे समझाता हूँ उस ढंग से आपको समझा देता हूँ कि अगर ना पड़ता है और नी पड़ती है वाले सेंटेंस में आपको कोई सब्जेक्ट मिले, मुझे, तुम्हें, उसे, आपको, उन्हें, हमको, उनको, तो आप समझना कि उसमें बी नहीं आने वाला, उसमें वी थ्री नहीं आने वाली, उसमें आएगा हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू, और जो वर्ब आएगी वो वी वन आएगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट का पता ही नहीं हो, कोई काम करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट का पता ही नहीं है कि कौन करता है या किसको करना पड़ता है, जब ऐसा पता नहीं चले ना, तो आप समझना कि वो पैसिव फॉर्म में है और तब आपको सिर्फ हैव टू नहीं, हैव टू भी लगाना होगा, आपको सिर्फ हैज़ टू नहीं, हैज़ टू भी लगाना होगा, और आपको इनके बाद वी वन नहीं वी थ्री लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस से आज के बाद आप बचने वाले हो, मुझे पूर्ण उम्मीद है ना, पूरा विश्वास है कि आप ऐसी गलतियों से बचोगे। और ऐसी गलतियां कोई भी कर सकता है। जिस किसी को ये पता हो कि ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पड़ते हैं को हम बनाते हैं हैव टू प्लस वी वन, हैज टू प्लस वी वन, वो बंदा इस सेंटेंस को भी वैसे ही बनाएगा, आई गारंटी यू। वो बंदा इस सेंटेंस को भी ऐसे ही बनाएगा, है ना, और इस सेंटेंस को भी वो हैव टू या हैज टू से ही बनाएगा, बिकॉज उसके पास इतना सेंस नहीं रहता है कि वो सेंस को समझ पाए, यानी सेंस को समझे कि ये पैसिव फॉर्म में है और इसका अनुवाद हमें थोड़ा बी लगा करके, यानी इनके बाद एक बी लगा करके और वी वन को वी थ्री करना होगा। ऐसे सेंटेंसेज में आज से कुछ साल पहले मैं भी कन्फ्यूज हो जाया करता था, मैं भी कन्फ्यूज हो गया था और हमने भी गलत ट्रांसलेट किया था, यानी मैंने भी गलत ट्रांसलेट किया था, लेकिन जाकर बाद में पता चला कि नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, है ना, और ये मिस्टेक कोई भी कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, आपके दोस्त लोग जो गलतियां करते आ रहे होंगे कई सालों से, उनकी गलतियां रुक जाएंगी, उनकी गलतियां, है ना, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी अगर आप उनको ये बात बताते हो, है ना, शेयर कर देते हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो कुछ भी हो, जो भी प्लेटफॉर्म हो, आप उन पर शेयर करने की कोशिश करना, ओके, क्योंकि नॉलेज जितना बांटोगे आप उतना ही पाओगे, ये तो पहले भी बता चुका हूँ। सो लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, बट शेयर करना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो शेयर करना मत भूलना, शेयर ज़रूर करना और ऐसी गलतियों से सबको बचाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए सेंटेंसेज के साथ। और बहुरूपिया सेंटेंसेज आपको चाहिए होंगे या नहीं ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अभी बहुरूपिया सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट्स मैं आपको देने वाला हूं, वैसे तो ये 7वां पार्ट है, आपको और भी 5-7 पार्ट्स मैं दे सकता हूं। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।